सवाल यह कि क्या साल 2025 से 2030 के बीच भारत और चीन के बीच युद्ध हो सकता है? क्या दो महाशक्तियों के बीच टक्कर हो सकती है? भारत चीन को लेकर ब्रिटेन के थिंक टैंक ने क्या भविष्यवाणी की है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। भारत और चीन के बीच युद्ध हो सकता है, क्या 62 साल बाद भारत और चीन में दूसरा युद्ध छिड़ सकता है? ऐसी भविष्यवाणी ब्रिटेन रक्षा थिंक टैंक ने की है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत और चीन में दूसरी बार जंग हो सकती है, 62 साल बाद दोबारा युद्ध छिड़ सकता है। हिमालय क्षेत्र में भारत और चीन की सेनाएं दूसरी बार आमने सामने होंगी। भारत चीन में ये दूसरा युद्ध सुदूर उत्तर पश्चिम क्षेत्र पूर्वी लद्दाख में लड़ा जाएगा। रिपोर्ट में ऐसा होने का 100% संदेशा है। इस रिपोर्ट के बाद हिमाचल क्षेत्र में युद्ध के बादल फिर से मंडराने लगे हैं। जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की भविष्यवाणी ने दुनिया को डरा दिया है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि 2025 से लेकर 2030 के बीच में कभी भी भारत और चीन के बीच दूसरा युद्ध हो सकता है। इस आशंका के बाद भारत चीन तनाव को लेकर पूरी दुनिया का तनाव बढ़ गया है। विस्तारवादी चीन अगर अपनी चालबाजियों में जुटा रहा तो ये संघर्ष एक बड़े युद्ध का रूप ले सकता है, ऐसी आशंका थिंक टैंक ने जताई है। भारत और चीन की सेनाओं के बीच अब अगर कोई मुलाकात हुआ संख्या बल से नहीं बल्कि सैनिकों की कुशलता और जाबाजी से निकलेगा। इधर कब्जाधारी चीन से भारत चौकन्ना है। सीमा पर भारत ने सैनिकों की तैनाती को बढ़ा दिया है। भारत के इस कदम से चीन काफी बौखला गया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत अब महाशक्ति है, परमाणु संपन्न देश है। कोई भी देश भारत को हल्के में लेने की भूल नहीं करेगा। भारत के पास युद्ध में माहिर विशाल सेना और हथियारों की ताकत है। चालबाज चीन से लोहा लेने के लिए भारत ने बड़ी रक्षा तैयारी की है। एक दिन पहले फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर के निर्माण की मंजूरी दी। ये फाइटर जेट्स अमेरिका के F-35 और रूस के Su-57 को टक्कर देगा। भारत की तैयारी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। चीन के साथ अपनी विवादित सीमा को मजबूत करने के लिए नए सिरे से रणनीति भी बनाई गई है। सेना ने वेस्टर्न बॉर्डर पर तैनात करीब 10,000 सैनिकों को भारत चीन सीमा पर भेजा है। सूत्रों की माने तो ये जवान उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक लगती चीन की सीमा पर तैनात किए गए। भारत चीन सीमा के इस क्षेत्र में पहले से ही 9,000 सैनिक तैनात हैं। सीमा भारत 10,000 सैनिकों की तैनाती के बाद चीन सीमावर्ती क्षेत्रों की शांति और स्थिरता की रक्षा के लिए भारत के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम ये मानते हैं कि 10,000 जवानों की नई तैनाती से साफ है कि भारत की प्रैक्टिस शांति की रक्षा के लिए अनुकूल नहीं है और तनाव कम करने वाला कदम नहीं दिखता है।